और आपका जहां तक मैंने देखा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये तीन चैप्टर आपके नहीं है, और फिर शायद एट चैप्टर भी आपको नहीं है, ठीक है। तो दो चैप्टर हम निश्चित कर लेते हैं डीपी के, फिर हम दो चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स कर लें, मोस्टली इकोनॉमिक्स में आपके सारे चैप्टर हैं जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों चैप्टर आपके हाफिली में भी कवरअप हो जाएंगे, ईपीएस खड़की हो, चेपीएस डीगी हो या केवी हो, उनके एटलीस्ट स्टार्टिंग के दो चैप्टर तो आएंगे एग्जाम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक अपन क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी थोड़ा बना रहेगा। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, एनी वन नो? ये फेडरलिज्म हम किसको कहते हैं, फेडरलिज्म का क्या मीनिंग है? डेफिनेशन भी आपके सामने है, एनी आइडिया? रिप्लाई करो, रिप्लाई करोगे तभी एसएसटी पढ़ाने में मजा आएगा, मेरे को सिर्फ रीड आउट थोड़ी करना है। आप लोग कुछ रिप्लाई करोगे तो क्लास लेंगे, नहीं तो निन्नी मुझे भी आ रही, निन्नी तुम्हें भी आ रही है। डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। बाकी लोग सबको रिप्लाई देना, एक दो बच्चों को रिप्लाई नहीं देना। हाँ अब आए ना जो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज डिवाइडेड बाय फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इट इज अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। ये ऋषिकेश ने कहीं हद तक सही चीज पकड़ी है। इट कैन बी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, गुड। हाँ तो पावर शेयरिंग का एक फॉर्म हम कहलाते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। हमने जैसे डेमोक्रेसी में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, नेता लोग आते हैं, कानून बनाते हैं, सब कुछ होता है। भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया तो मैं स्टेट गवर्नमेंट क्यों क्यों मानूं? मेरे स्टेट का मुद्दा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर क्यों करे? तो ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन होने लाजमी इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है। तो फेडरलिज्म जो सिस्टम है वो किस बारे में है, जहां पर पावर किसी एक सेटअप में नहीं रहती है। इट इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम सही डेफिनेशन बोली गई। दैट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका, हमने कल पावर शेयरिंग में क्या पढ़ा था, हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया था कि बेल्जियम में किस तरह समझदारी से उन लोगों ने पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेंट्रल लेवल पे भी उन्होंने किया, पूरी कंट्री में क्या किया, इक्वल पार्टिसिपेशन कर दिया, और जो उनका कैपिटल था वहां भी उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। उसमें हर खुश, डच वाले खुश थे, फ्रेंच वाले खुश थे, सब खुश थे। पर श्रीलंका में क्या हुआ, नहीं माने तो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अगर आप, इसकी ब्यूटी वही है कि हम पावर शेयरिंग को बहुत बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पावर शेयरिंग में क्या है, और इंडिया में तो इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इंडिया में जितना डाइवर्सिटी है उतना और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। चाइना में तुमको केवल चाइनीज मिलेंगे, जापान में तुमको केवल जापानीज मिलेंगे, रशिया में तुमको रशियन मिलेंगे, फ्रांस में तुमको फ्रेंच लोग मिलेंगे, जर्मनी में जर्मन लोग मिलेंगे, पर जितना वैरायटी इंडिया में उतना वैरायटी कहीं नहीं। ऊपर जम्मू, ऊपर जम्मू से स्टार्ट करोगे नीचे कन्याकुमारी तक, साउथ में ईस्ट वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करोगे, अरुणाचल स्टार्ट गुजरात तक आओगे, इतना वैरायटी, इतना लैंग्वेज, इतना डाइवर्सिटी। तो अब हर को इक्वल वे में ट्रीट करना है, सबको सिटीजन ऑफ इंडिया मानते हो, सबके लिए सेम पॉलिसी बनाना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेस भी है कि हमने यहाँ फेडरलिज्म को कितना बेटर वे में इसको प्रेजेंट कर पाया, ठीक है। तो इस चैप्टर में मोस्टली इंडिया के बारे में ज्यादा बताया गया कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसा है, ठीक है। तो फेडरलिज्म में सेम वही चीज है, पावर्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट एंड कैन बी विथड्रॉन बाय द। तो ये थोड़ा बेल्जियम का एग्जाम्पल है, तो बेल्जियम एग्जाम्पल छोड़ के आगे चलते हैं। तो फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस अदर यूनिट्स। वो स्टेट यूनिट भी हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, पावर को डिवाइड किया जा रहा है, पावर को शेयर किया जा रहा है, ठीक है। एंड फेडरल, नॉर्मली एक फेडरल सिस्टम क्या होता है, दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। किसी की जगह थ्री टायर गवर्नमेंट भी होती है, इंडिया में थ्री टायर गवर्नमेंट है, उसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक गवर्नमेंट कौन सी होती है, सॉरी, एक गवर्नमेंट कैसी होती है, जो किसी सर्टेन एस्पेक्ट एस्पेक्ट के ऊपर पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है। लाइक करेंसी आपका हो गया है ना, आपका डिफेंस हो गया, आपके फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये जो चीजें पूरी कंट्री को इफेक्ट करती है। तो कुछ चीजें सेंट्रल को करनी पड़ती है, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स, सब्जेक्ट मतलब कुछ टॉपिक्स, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, कॉमर्स हो गया, ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जिसमें कॉमन नेशनल का इंटरेस्ट होता है, ये पूरे देश के ऊपर इक्वल वे में लागू करना होता है ना। द अदर्स आर द
गवर्नमेंट एट द लोकल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. अब डे टू डे एक्टिविटी, अब तुम्हारी डिगी में, गणेश नगर या विश्रांतवाड़ी में, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई सड़क टूटी है, कुछ खराब है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और इसके लिए देश स्टेट का चीफ मिनिस्टर उठ के नहीं आएगा. तो माइनर लेवल पे भी एक छोटे छोटे गवर्नमेंट सिस्टम बनाने बहुत जरूरी होते हैं. जैसे आपका किसी अगर सोसाइटी में रहते हो तो देखो सोसाइटी के अंदर ही एक छोटी सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, जो सोसाइटी के छोटे मोटे अफेयर्स की वहाँ सैनिटेशन कैसे रखना है, जो पूरी सोसाइटी का जो कचरा रहता है उसके लिए कचरे वाली गाड़ी कब आएगी, अगर पानी का क्राइसिस है तो पानी का टैंकर मंगवाना है, अगर लाइट फेल होगा तो बाहर से क्या वहाँ पर जनरेटर का बैकअप है क्या. तो ये डे टू डे की जो माइनर नीड्स होती है उसके लिए लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट हमको क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है. तो इसी सिस्टम को कहते हैं फ्यूडल सिस्टम या फेडरलिज्म सिस्टम. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स एंड इंडिपेंडेंट. बट इन लोगों की अपनी अपनी पावर्स होती है, इन लोगों का अपना अपना एरिया होता है वर्किंग करने का और ये मैक्सिम एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते. तो ये पूरा देखो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर दिया गया किस किस कंट्री में आपका ये दिस टाइप ऑफ सिस्टम वर्क करता है. रशिया जैसे कंट्री में करता है, इंडिया में करता है, पाकिस्तान में करता है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया में है, जो बड़े बड़े कंट्रीज का नाम है, ब्राजील है, यूएस वगैरह है, कनाडा है. यहाँ पर क्या है कि फ्यूडल फेडरल टाइप का सिस्टम काम करता है और वहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी. ठीक है, चलिए आगे दिया. इन दिस सेंस फेडरल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट अंडर द यूनिटरी सिस्टम. आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी सिस्टम मतलब यहाँ पर केवल सिंगल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास कर दिया. फेडरलिज्म का ऑपोजिट क्या है, यूनिटरी, जहाँ पर सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो जो ऑर्डर पास करती है वो प्रोविजन या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को मानना होता है. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी, यूनियन मतलब वन, एक ही गवर्नमेंट है जिसने ऑर्डर पास किया, खासकर चाइना, एक ऑर्डर पास किया वो स्टेट को लागू करना पड़ेगा, वो हर लोकल गवर्नमेंट को लागू करना ही पड़ता है. ठीक है, बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर और फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट. कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपनी पाबंदी नहीं, नोटबंदी सेंट्रल का इशू है, क्योंकि करेंसी है. ठीक है, कुछ इश्यूज जैसे पुलिस का कोई वर्किंग आ गया, पुलिस को कुछ अपना नियम कानून में कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना हैंडल कर सकता है ना. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, उसके लिए इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर स्टेट की मतलब स्टेट में पुलिस अगर काम नहीं करती है, हाँ एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो तो सेंटर इंटरफेयर करता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है गवर्नर होता है, देन ही कैन इंटरफेयर कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे गड़बड़ है तो आप इसको देखिए. तब कई बार राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है, पर वो एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके, पर स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है. अब फेडरलिज्म के कुछ की फैक्टर्स होते हैं, मतलब हम कैसे फेडरलिज्म शब्द को समझ सकते हैं, मतलब एकदम अगर आपको लगे बताओ कि फीचर्स क्या होंगे, तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स. तो फेडरलिज्म देखते अपने क्या समझना चाहिए कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लेवल का गवर्नमेंट काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर सेम सिटीजन है ना, बट उसका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग एरिया में अलग अलग के ऊपर लागू होता है. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग महाराष्ट्र में हो तो आप महाराष्ट्र स्टेट के अंडर भी हो, दूसरा आप इंडिया के अंडर में भी हो, तो आप सिंगल सिटीजन हो बट आपके ऊपर दो अलग अलग या कहो तो तीन अलग अलग गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल करती है. कौन कौन सी, एक तो आपको लोकल गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल करती है, एक आपके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल करती है, और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल करती है. तो इसका ब्यूटी कैसा है कि ये तीनों लेवल की गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करती है. जैसे आपके जो छोटे मोटे घर, जैसे तुम्हारे घर का, अगर आपका खुद का घर है तो आपका एक हाउस टैक्स आता है. अभी हाउस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता, वाटर टैक्स आपका आता है, ये कौन कलेक्ट करता है, ये लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है. देन आपका स्टेट कुछ मुद्दे, जैसे आपका कोई मुद्दा हो गया पुलिस वाला, मतलब कुछ आपका झगड़ा हो गया, वकील हो गया, ऐसे कुछ मुद्दे जहाँ पर आप खेती करते हो, इरीगेशन का मामला हो गया, यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकते हो. डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, तो कुछ अफेयर्स में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी आते हो. जैसे नोटबंदी हुई तो जब सेंट्रल लेवल पे हुई उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, तो आप किसी भी स्टेट में हो अगर नोटबंदी हुई तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा ही पड़ेगा. इनकम टैक्स किसको जाता है, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. कई तरह के टैक्सेज होते हैं पर ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. जैसे जो जीएसटी होता है वो दोनों को जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, पर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है. फेडरलिज्म नॉट एप्लीकेबल इंडिया,
यस ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ थ्री टर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन अवर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब अगर ज्यूरिडिक्शन की बात आती है, ठीक है, तो हर एक लेवल पे अलग अलग क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। जैसे आपका छोटा मोटा मुद्दा होता है, आपका सेशन कोर्ट में आप जाके उसके लिए अपील कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर आपका मामला नहीं सुलझता, आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। वहां भी आपका मामला नहीं सुलझता, आप सेंट्रल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये तीनों लेवल पे, तीनों टायर के गवर्नमेंट पे ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा सैनिटेशन हो गया, पानी हो गया, बिजली पानी हो गया, इसको जो देखभाल करता है। टैक्सेशन आ गया, जो हमें लोकल लोकल लेवल पे भरना पड़ता है, सेंट्रल लेवल पे भरना पड़ता है, और हमको स्टेट लेवल पे भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो ज्यूरिडिक्शन भी उसी तरह तीनों लेवल पे अलग अलग रहता है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट फीचर, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कि जो भी हमने फंडामेंटल प्रोविजन बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कोई सिंगल गवर्नमेंट चेंज नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चाहे कुछ उसको अमेंड करना है, वो अकेले अमेंड नहीं कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना है, चाहे अकेले नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करते हैं, इसके लिए इन दोनों को एग्री होना पड़ता है। दोनों सेम चीज अगर करना चाहे तो दोनों को एग्री होना पड़ेगा, तब ये चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर। अब एम्पायर की भूमिका कौन निभाता है? कोर्ट निभाता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल लोकल के बीच में, लोकल और स्टेट के बीच में, तो जो कोर्ट्स होते हैं वो इसके बीच में एज एम्पायर की भूमिका निभाते हैं। और कई जगह ऐसा आता भी है। ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द इंश्योर इन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सबको मिला, अलग अलग जो टैक्सेस होते हैं वो अलग अलग लेवल पे भरे जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट का टैक्स अलग रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग रहेंगे, और आपके सेंट्रल लेवल पे आपके टैक्सेस अलग रहते हैं। तो छह सात फीचर्स हैं फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म होता क्या है उसे पढ़ेंगे। द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, इसके दो काम है। तो कई बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्योंकि हर एक कंट्री में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेस पे, रीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, अलग अलग लेवल पे डाइवर्सिटी लगभग हर कंट्री में है। तो सभी लोगों को एक साथ रखने के लिए, यूनिटी में सबको बनाए रखने के लिए, यूनिटी प्रमोट करने के लिए ऐसा सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर एक की नीड को टेक केयर कर सकें, है ना, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बता दिया। तो दीज आर द टू क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चीज की बात करें, हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ चीज पे एग्री करना रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीज पे एग्री करना पड़ेगा। और जब ये, और ये सब कैसे होता है, जब दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। जैसे आप देखो, आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कई बार, जैसे जहां पर भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में अगर किसी और गवर्नमेंट है, तो आपको रेजिस्टेंस दिखेगा दिखेगा। अभी जैसे किसान बिल लाया, आप देखो मैक्सिमम आंदोलन कहां पर हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। यूपी में आपने देखा आंदोलन नहीं है क्या? यूपी में लोग खेती नहीं करते? खेती करते हैं, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में खेती होती, खेती बताओ कहां नहीं होती? इंडिया में हर जगह खेती होती, बट मुद्दा क्या है कि भैया सिर्फ पंजाब में हल्ला मचा गया। तो कहीं ना कहीं जब सेंट्रल और स्टेट में मिसकम्युनिकेशन की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, तब इस सिस्टम को आइडियल बनने में डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज ये जब सिस्टम कब काम करता है, जब म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, जब हम लोग सोचते नेक्स्ट आपका है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल ओके। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इट वेरी फ्रॉम द वन फेडरेशन टू अदर। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है, भाई वहां पर बैलेंसिंग कैसा है, हर एक कंट्री का अलग हो सकता है। सेंटर ने स्टेट को कितना पावर दिया है, ये सब का अलग अलग हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, भाई पीछे की हिस्ट्री कैसी है, कौन कंट्री कैसे फॉर्मेशन में है, यूएस कैसे फॉर्मेशन में है, कैनेडा कैसे फॉर्मेशन है, इंडिया की फॉर्मेशन कैसी हुई है। तो इसके बेस पे दो तरह के फेडरल सिस्टम डिफाइंड हुए हैं। फर्स्ट टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, कमिंग टूगेदर फेडरेशन। इसमें कौन आता है, आपका यूएसए,
स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये कैसे हैं, ये इसमें नॉर्मली क्या हुआ है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ये सब क्या थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ये एक साथ जुड़े और उन्होंने एक बड़ा यूनिट बनाया। आप देखो यूएस में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इन सबके खुद का भी एक अलग से इनके पावर्स हैं कि अपने काम कर सकते हैं, इनको फ्रीडम है काम करने का, बट ये सब इकट्ठे हुए एक साथ, इन्होंने क्या संधि बनाया, भाई अलग अलग क्यों रहेंगे, हम सब मिलकर एक गुट हो जाते हैं, इसको इसको यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। कई सारे स्टेट्स यूनाइट हो गए हैं और क्या बना, अमेरिका। तो ये सब आपस में अपनी मर्जी से इकट्ठे हुए और ताकि देश में जो इनका सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, इन सबको मेंटेन करें आइडेंटिटी। तो जहां पर कई सारे स्टेट मिलकर इकट्ठा यूनिट बनते हैं, उस टाइप को फेडरल सिस्टम को क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। तो आपको एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द स्टेट्स यूजली हैज इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट। दोनों मतलब इनके इक्वल पावर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, वहां का स्टेट भी काफी पावरफुल होता है। सेकेंड रूट कौन सा है, इंडिया जैसे एग्जाम्पल, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर क्या हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बिकम मोर पावरफुल विद स्टेट। अब इसमें क्या था, एक लार्ज कंट्री है, इसने डिसाइड किया कि ये अपने आप को इंटरनली डिवाइड करेगा, पैरामीटर्स उसके लैंग्वेज बेस पे कर सकता है, कास्ट बेस पे कर सकता है, कल्चर बेस पे कर सकता है, रीजन बेस पे कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, बड़े कंट्री ने अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि वो उसको इफेक्टिवली रन कर पाए। तो इसमें नॉर्मली क्या देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स, ठीक है। तो ये दो टाइप का सिस्टम है, कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर। इसमें कुछ यूनिट्स को कुछ स्टेट्स में, जैसे फर्स्ट सिस्टम में क्या है, सबके पास इक्वल पावर्स है, पर जो होल्डिंग टूगेदर टाइप का सिस्टम है, जरूरी नहीं हो कि सभी स्टेट्स के इक्वल पावर। इंडिया में तो खासकर आप देखते हो कि किसी किसी स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा ही मिला है, उनको एक्स्ट्रा पावर, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में था तो आर्टिकल 370 का हट गया, काफी चीजें वहां पर हट चुकी है जो उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देते थे। आपके ईस्ट में भी है कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पर उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम में जरूरी नहीं है कि सबके पास इक्वल पावर हो, अनइक्वल पावर होने का चांसेस रहता है, सम स्टेट्स को आप स्पेशल पावर दे सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। पोलिंग सोवरेनिटी रिटेनिंग आइडेंटिटी इंक्रीज, रिटेनिंग आइडेंटिटी इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब, हम एक स्टेट पहले थे, जैसे आपका महाराष्ट्र स्टेट है, जैसे आपको पंजाब हरियाणा, ये दो पहले एक एक ही स्टेट थे, ये दोनों अलग अलग हुए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को वापस मिला दें, मतलब इनको वापस अगर मिला दें, फिर भी अगर ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखना चाहे, जैसे यूएस में जब इनको सारे स्टेट्स आपस में मिले, ये मिलके अमेरिका तो बने, लेकिन ये स्टिल अपनी आइडेंटिटी अभी भी रिटेन करते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया, भाई ये एक बड़ा जब कंट्री रहेगा, बड़ा डिफेंस रहेगा, तो ये बड़ी से बड़ी किसी पावर के साथ अपना सिक्योरिटी काफी मजबूत कर सकते, इसका मतलब। फिर तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये तो सोचना पड़ेगा कौन सा अच्छा ऑप्शन है। ये एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है कि वहां का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पीछे का हिस्ट्री कैसा है, ये टोटली आपके और मेरे कहने से डिसाइड नहीं होगा विच वन इज बेटर, कंडीशन टू कंडीशन भी डिपेंड करता है। किसी जगह जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप सबको एकदम इक्वल पावर देख के भी आप कई बार महसूस करोगे कि जैसे आपने आरक्षण दिया है तब भी स्टिल लोग क्या फील करते हैं, यार आरक्षण बुरा है। तो हर जगह का नीड सर्कमस्टेंस अलग अलग है। अगर आप अभी इंडिया में सभी स्टेट्स को आप इक्वल पावर दे दो तो देखो ज्यादा टेंशन होगी, है ना, ज्यादा मुद्दे बहुत होंगे। जैसे छोटा सा मुद्दा है पानी का, जो खासकर तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में रहता है, कावेरी कावेरी नदी का जो मामला रहता है, तो एक छोटा सा मुद्दा दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में संभाल नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल को इन्वॉल्व होना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। अगर दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों ठान के बैठ जाएंगे, तू भी सही और मैं भी सही, ऐसा रहता है। तो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, ठीक, क्या इंडिया का कोई स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है, अभी तक तो पॉसिबल ना है जहां तक मेरे को लगता है। तुम अलग होना चाहते हो क्या, है अजय पटेल, अब कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, सर वो समझदार लोगों के लिए होता है कमिंग टुगेदर, नहीं समझा होता, नहीं नहीं
अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसमें सभी स्टेट्स एग्री हैं, ठीक है, इन कमिंग टुगेदर इस स्टेट। हाँ यस, बिल्कुल आपको रिप्लाई करें आपके क्वेश्चंस का। चल आगे चलते हैं। इंडिया हैज इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, ये हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कई सारे प्रिंसली स्टेट अलग अलग भागना चाहते थे, ठीक है। तो पर प्रदेव पटेल जी ने क्या किया, कोशिश करके पूरी इंडिया को गेट टुगेदर किया, ठीक है। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, ठीक है, ये सबको इकट्ठा करके बनाया गया है। इट अल्थो इट डज नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हम अपने इंडियन में इसको एज ए फेडरेशन यूज नहीं करते, हम प्रिंसिपल्स पक्का यूज करते हैं, हम जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पक्का फॉलो करते हैं, लेकिन इसको हम इंडियन फेडरलिज्म कभी भी नहीं बोलते हैं। देखा सुनील, तो सर हमारी बात से एकदम सहमत है कि कंट्री इंडिया जैसे कंट्री को इकट्ठा रखने के लिए डंडे की डंडा भी होना जरूरी होता है। जैसे क्लास में तुम सारे अच्छे अच्छे बच्चे हो, कुछ एक आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास के बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है, डंडा रखना पड़ता है। तो सबको कई बार इकट्ठा रखने के लिए रस्सी भी काफी होती है, डंडा भी काफी होता है। गुड अभिषेक, एकदम तुरंत समझा देगा एग्जाम्पल सही दिया था अभिषेक, तुरंत समझा। हाँ ठीक है, लेट गो बैक टू द सेवन फीचर्स ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है। वी कैन सी ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द सेंट्रल ओरिजिनली वर्किंग ऑन द टू टायर सिस्टम, जब इंडिया स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो जब इंडियन स्टार्टिंग में था, जब इंडियन इंडिपेंडेंट मिला तो हम टू टायर सिस्टम पे काम कर रहे थे, जिसमें सेंट्रल को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते थे एंड इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते थे, ठीक है। पर समय के साथ क्या हुआ, नीड लगा कि हमको एक थर्ड टायर ऑफ सिस्टम भी हमको क्रिएट करना जरूरी है, जो पंचायती राज और म्युनिसिपल पार्टीज की फॉर्म में आया। गांव में इसको पंचायती राज करते हैं, जब अर्बन स्टेट्स की बात करते हैं वो म्युनिसिपलिटी लेवल पे काम आता है, इसको बोलते हैं थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो आपका यूनियन ऑफ इंडिया हो गया सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट आपका हो गया, और थर्ड आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, इसको पंचायती और म्युनिसिपल पार्टीज भी कहते हैं। दीज थ्री टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, सबका ज्यूरिडिक्शन एरिया है, सबका एरिया एरिया डिवाइडेड है, टैक्सेशन भी डिवाइडेड है, इवन ज्यूरिडिक्शन जैसे मैंने बोला सेशन कोर्ट या आपके किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे होता है पुलिस चौकी, जैसे पुणे में देखो बहुत सारी पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी का भी एक एरिया होता है कि भाई हम इतने एरिया को ही कवर अप करते हैं, उसके बाहर का एरिया नहीं, अगर वो क्राइम किसी दूसरे में होता है तो वो उस वाली चौकी को रिफर करते हैं, तो इतना हमने इसको एकदम सेपरेट एरिया बाउंड्री खींची है। उससे फायदा क्या हुआ, हम उसमें बेटर वर्किंग कर पाते हैं, नहीं तो मैं उसके इलाके में जाकर काम करूंगा, मेरे इलाके में जाकर काम करेगा, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक रहता है। तो वही बोला जैसे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, उसको क्लियर करने के लिए क्लियर बाउंड्री खींचनी बहुत जरूरी होती है। अभी देखो जो ये दोनों कंट्रीज का युद्ध चल रहा है, दिक्कत क्या, छोटा सा जगह है उसको भी युद्ध चालू है, लद्दाख वाला मामला है, ये जो इंडियन कश्मीर का मामला है, कश्मीर तो चलो अपना है, पाकिस्तान तो जबरदस्ती कब्जे करके बैठा था, गिलगिट वाला जो मामला है। तो जब हम क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं खींचेंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, हमें उसको कभी हम बॉर्डर नहीं बोलते, कभी इसको बाउंड्री लाइन नहीं बोला गया कि बॉर्डर है, ठीक है। ये क्या क्या बोला गया है कि ये आपका वो है LOC है या LAC है, ठीक है, क्लियर लाइन नहीं खींची, चाइना के साथ LAC है और पाकिस्तान के साथ LOC बन जाता है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री क्लियर खींची होती तो समस्या नहीं आती, कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट रह गया। तो यही सब चीजों को रोकने के लिए कि इंटरनली हम ऐसी कभी समस्या में ना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह जो ज्यूरिडिक्शन लेवल है एरिया एकदम क्लियर रखा, पॉलिसीज एकदम क्लियर रखी। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये किस लेवल पे काम करता है, ये किस किस पैरामीटर पे काम करता है। तो जो यूनियन लिस्ट है, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस एरिया में काम करेगी, तो डिफेंस पार्ट हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये मेन मेन पिलर्स है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया ऑफ वर्क, ये इनका एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा ना ही लोकल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकती। करेंसी कौन सी चलेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बैंकिंग कैसे रहेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारी बाहर के कंट्रीज से संबंध कैसे रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिफेंस के लिए कोई भी डिसीजन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे जो जैसे मुद्दा होता है कि पाकिस्तान के साथ
बॉर्डर का जो इशू है उसमें वो J&K का इशू नहीं, वो फिर इंडिया का इशू बन जाता है, क्योंकि बॉर्डर किससे लगा है, J&K से बॉर्डर लगा है, पर इशू किसका है, ये इशू इंडिया का है एज ए कंट्री, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है। सर इंडियन डॉलर यूज क्यों नहीं करते, इकोनॉमिक पढ़ेंगे ना तब अपन उसको देखेंगे हम क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। तो इन सब जो पांचों मेन पिलर्स हैं इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि उसका पालन पूरा कंट्री करे, और पूरे ऑल ओवर कंट्री सेम होना जरूरी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है अकेले, सेंट्रल गवर्नमेंट को अकेले अधिकार होता है इसके रिलेटेड कोई भी कानून बनाने के लिए, इसमें ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा ना आपका लोअर गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरफेयर करेगी। उसी तरह स्टेट्स को भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ एरिया दिए गए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में हाथ नहीं डालता है, जैसे अपना पुलिस, लोकल ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के पिलर्स हैं। अभी जो पढ़ा रहे उसको पर ध्यान रखते चलो, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है इसमें ये अलोन लॉ मेक कर सकती है एरिगेशन, ये जो पांच मेन पिलर्स बताएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों को मिलजुल के काम करना जरूरी होता है, इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 15 अक्टूबर से आप स्कूल खोल सकते हो, और लास्ट डिसीजन किसके ऊपर छोड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, कि हर स्टेट अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पर खोलना है कहाँ पर नहीं खोलना है। तो जिस मैंने सुना है कि सतारा में हो सकता है 15 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे, मतलब जैसे भी आपके स्कूल खुले वैसे नहीं, मतलब प्रॉपरली स्कूल खुल सकते हैं, मतलब अब किसके अंडर में आता है, महाराष्ट्र के अंडर में आता है, पुणे भी किसके अंडर में, महाराष्ट्र के अंडर में, पर दोनों अब ये किसका डिसीजन है, स्टेट का डिसीजन है भाई वहां पर स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये काफी ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलजुल के कानून बना सकते हैं। इनकेस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट पास करती है उसको ही माना जाएगा, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चुनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है क्योंकि जब भी ये कोई चीज बनाएंगे तो पूरा डिस्कशन करके बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, बट जो यूनियन यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डज नॉट फेल इन एनी दी थ्री लिस्ट, ठीक है। अब जब समझो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, समय के साथ साथ में चीजें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, तो कुछ ऐसे टॉपिक छूट गए थे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना आपकी स्टेट लिस्ट में है, ना आपकी कंकरेंट लिस्ट में। जैसे आपका IT, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंटरनेट, ये लेटेस्ट चीज आई 1990 के बाद, ठीक है, तब तक ये सब लिस्ट बन चुकी थी, तो इनको भी एक लिस्ट में डाला गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेस्यूडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट दिस रेजिस्ट्री सब्जेक्ट्स। तो इन तीनों के अलावा, इस लिस्ट के अलावा जो भी टॉपिक बच जाते हैं वो रेस्यूडरी में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा जो चीज आपका है, मतलब जो चीजें नॉट इंडिपेंडेंट, जैसे आपका ये क्या कहते हैं कंकरेंट लिस्ट भी थोड़ा बाद में आया, ठीक है। नोट, कई सारी चीज जो उस टाइम दिमाग में नहीं आया कि यार ये भी हो सकता है क्या, कंप्यूटर थोड़ी सोचा था, सॉफ्टवेयर नहीं सोचा था ना, अब IT रिलेटेड कितने कानून आ गए आपके, ठीक है। अब कई सारी चीजें बाद में आई है तो उनको किसमें डाला गया है, रेस्यूडरी सब्जेक्ट्स में। और इसको कौन हैंडल करता है, इसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, ठीक है जी। फिर वही टॉपिक, इंडियन कैसा है, होल्डिंग टूगेदर टाइप का सिस्टम है, तो इसने डज नॉट गिव इक्वल पावर टू दीज यूनिट्स। हाँ, इसने कुछ कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया है, अब ये जम्मू वाला पढ़ के फायदा नहीं क्योंकि अभी हटा दिया गया है, ठीक है। पहले ऐसे ही था ना, जम्मू कश्मीर में उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वहां पर 6 साल में सरकार बदलती थी, वहां पर आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब वहां की लड़की शादी करोगे तो वहां की नागरिकता उस लड़की की चली जाएगी, ऐसे कई सारे मुद्दे थे, बट अब Article 370 वाले मुद्दे हट गए हैं अभी तो। पर फिर भी कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है। चलिए, अब इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे हैं जो या तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता,
और अभी तक उनको किसी स्टेट के अंदर मर्ज भी नहीं किया गया। ठीक है, अब ऐसे एरिया कौन से हैं, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, इनको क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो इन टेरिटरीज के पास खुद का पावर ऑफ स्टेट नहीं है, तो ये किसके रूल से काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है सम स्पेशल पावर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता, यहाँ पर मेनली एलजी होता है, ये गवर्नर सेटअप किया जाता है। अब दिल्ली थोड़ा केस आजकल थोड़ा अजीब हो गया है, केजरीवाल का बोलते हैं इसको फुल स्टेट हेड दे दो। अब स्टेट के तो इलेक्शन तो उसमें होते हैं देखो, पर वहां पर ये है एलजी है, ठीक है, वहां पर जो किसके द्वारा अपॉइंटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, दिल्ली अलग मामला है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इनको दोनों को पावर्स मिली है, ये सब कैसा मिला है इनको, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है इसको इजी नहीं है चेंज करना, कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले सोचे या पार्लियामेंट इसको अकेले सोचे इसको चेंज कर सकता है। फर्स्ट आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोकसभा में, राज्यसभा में मेजोरिटी से पास भी होना चाहिए, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है चीज। द जुडिशरी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, ये सब चीजें इजिली स्प्रेड आउट हो, पावर शेयरिंग हो, इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता तो कौन होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन ले सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अपने इश्यू रेज करने की, इनके पास पावर है अपने अपने टैक्स कलेक्शन की। ठीक है, जैसे जीएसटी है, दोनों के बीच में 50-50 डिवाइड होता है जो भी टैक्स कलेक्शन होता है, जीएसटी वाला खासकर। ठीक है, तो इसमें पावर्स लिखे, भाई पैसा दोनों फंड कैसे रेज करेंगे, फंड को कैसे स्पेंड करेंगे, ये सब दोनों का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, चलो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये चार तीन पॉइंट्स है जहां पर आपको बता रहे हैं मेरे को, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, एस जी, एस मतलब स्टेट जीएसटी और सी मतलब सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है पोखरण, इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप लोग और ये बताओ कि स्टेटमेंट में यस आएगा या नो आएगा। पोखरण प्लेस कहां पर है, राजस्थान में। इंडिया ने वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसके लिए अपोज कर सकता है कि भैया ये तो राजस्थान की जगह, तुम्हें हमारे परमिशन लिया क्या यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट प्रमोट कर, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, कैन इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टिंग टेस्ट, नो। व्हाट इज द रीजन, नो क्यों, जो यस और नो कहते हो अपना रीजन लिखो। क्या राजस्थान गवर्नमेंट मना कर सकती थी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हो, एकदम सही बात। अभिषेक और संकेत ने एकदम सही रिप्लाई दिया, क्योंकि ये जो मुद्दा है किसके अंडर में आता है, इस तो डिफेंस के अंडर में आता है और दूसरा न्यूक्लियर पॉलिसी के अंडर में आता है। तो ये किसके मैटर्स है, ये यूनियन गवर्नमेंट के मैटर है, इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है। चलिए गुड, नेक्स्ट। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन द स्कूल, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। In this case, that the state government need to take permission from the union government before these textbooks should be launched. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या government of Sikkim ऐसे कर सकती है? Okay, फिर से yes, no, yes, no. कुबेर ने कौन लिखा, कौन मतलब है? या तो yes होगा या no होगा। तो क्या state government को permission लेने का need है? नहीं, state government को permission लेने का need नहीं है। ठीक है, तो ये किस कैंडर में आता है, आपका कंकरेंट लिस्ट कैंडर में आता है एजुकेशन। नेक्स्ट, सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा हैज डिफरेंट पॉलिसी ऑन हाउ देयर स्टेट पुलिस शुड रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट लिस्ट, कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवेन इन पास एन ऑर्डर, ऐसा हो सकता है? सब लोग रिप्लाई देना सीखो, तभी समझ पाएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिस्ट, बच्चा ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो संविधान में रह के भी संविधान की बात नहीं मानना, ये कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, ये हथियार के बल पे काम करना चाहते हैं, ये खासकर आपके आंध्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र काफी फैला हुआ नेक्स्ट लिस्ट चीजें। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, तो जो ये मामला है तो स्टेट को ये मैटर किसका है, पुलिस का है। ये मुद्दा कहां पर है, स्टेट पुलिस का है। स्टेट पुलिस किस कंडर में आती है,
स्टेट के अंडर में आती है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे कि हमसे कंडीशन नहीं संभल रहा है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी को वहां पर भेज सकती है। ठीक है, चलिए गुड। ये इंडिया का मैप है 1947 का। ठीक है, इसमें पता नहीं सिग्निफिकेंस का क्या है ग्राफ से। चलिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। आधा चैप्टर अपना हो गया, अभी आधा घंटा और बाकी है, तो मोस्टली चैप्टर हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को भी डाउट है किसी मुद्दे पर तो पूछ सकते हो आप लोग। सब पूना है? पुणे, हाँ हाँ पूना, पुणे की है। ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं होता है, पहले इसको पुणे ही कहते थे, समय आने पर भाषा बदलती गई। पूर्ण पुणे, पुना पुण्याद भूमि पुणे नगरी, है ना। चलिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब एक्चुअल में जैसे पेपर पेन पे तो हो गया है सर, क्या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वापस नहीं ले सकते? लेंगे, चिंता मत करो। जो भी जब तुम देश का प्राइम मिनिस्टर बनोगे ना और प्रेसिडेंट बनोगे, देन यू टेक दिस डिसीजन। वो मिठाई थोड़ी अगले ले सकते हैं, इतनी आसानी से आएंगे क्या? बड़ी मुश्किल से तो निकले हैं। ठीक है, चलिए अब फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी। इंडिया जैसे कंट्री में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना इतना इजी नहीं है, सक्सेस होना इतना इजी नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट चलते गए इंडिया में। ठीक है, इट इज नॉन मेडली बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस। ठीक है, कुछ प्रोविजन थे, जैसे अब फर्स्ट इंडिया का जब फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट कैसे डिवाइड हुआ इंडिया, लैंग्वेज के बेस पे, स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किया गया। ये फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट था इंडिया का, जो क्रिएशन कैसे हुआ, जो स्टेट्स का लैंग्वेज के बेस पे हुआ। ठीक है, अब कई कई बार लगा था कि भाई ये पता नहीं फेल भी हो सकता है, पर ये काफी सक्सेसफुल हुआ जब इंडिया आजाद हुआ 1917 में। तो यू विल सरप्राइज, देयर आर मेनी चेंजेस। ठीक है, अब ये चैलेंज था, कौन सा चैलेंज था? बाउंड्री खींचना। देखो, आपको ऊपर मैप दिखाया गया था, ये आपको मैप दिखाया गया था कि भाई ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये आपका सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए, और आपका ये गुजरात हो गया, राजपुताना हो गया, उड़ीसा हो गया, ये अलग अलग थे पहले। ये दिखता था ये मैसूर, बेंगलोर। ठीक है, अभी समय के साथ मैप कैसा हो गया, देखो एकदम क्लियर बाउंड्री है। आप फर्स्ट वाले मैप को देखोगे और इसको देखोगे कितना ज्यादा डिफरेंस है। एकदम क्लियरिटी से स्टेट को डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया? ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके, हम बेटर उसको मैनेज कर पाए। तो फर्स्ट था टेस्ट लैंग्वेज बेस पे इसको क्रिएट करने का। ठीक है, तो दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कैसा किया, लैंग्वेज के बेस पे इसको सेपरेट करने का कोशिश किया। कुछ स्टेट्स में लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं रहा, हमने वहां पर कल्चर के बेस पे क्या है, एथनिसिटी और ज्योग्राफिकल रीजन को देख के भी हमने उसको किया। जैसे नागालैंड है आपका, उत्तराखंड है आपका, झारखंड है, कुछ एरिया को हमने कल्चर बेस पे, ज्योग्राफी बेस पे, एथनिसिटी बेस पे हमने उसको सेपरेट आउट करने की कोशिश। पर्पज यही था, हम फेडरलिज्म जो सिस्टम है या जो ये कल्चर है गवर्नमेंट का, इसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाए। When the demand for the formation of the state on the basis of language was raised, तो कुछ नेताओं को भय था कि इससे देश डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है, बट समय के साथ ये एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया कि एक्चुअल में दिस इज वेरी गुड, और इससे देश क्या है, काफी ज्यादा मजबूत हुआ। मतलब बाउंड्री लाइन खींची गई स्टेट्स के बीच में, बट लोग तो एक दूसरी जगह जा सकते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैनेजमेंट के पॉइंट से इजी हुआ वो चीजें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फेडरलिज्म में कैसा है कि सबको मौका मिला। कैसा मौका मिला? सबको स्टेट्स को हमने लैंग्वेज के बेस पे पार्टीशन करने का कोशिश किया गया। सेकेंड, लैंग्वेज पॉलिसी। श्रीलंका में इशू क्या आया था, उन्होंने सिंगल्स जो मेजोरिटी में थे उनकी भाषा को उन्होंने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया। इंडिया ने क्या किया, हिंदी स्पीकर केवल 43% है। 2011 में जब इसकी जनगणना हुई थी, मतलब पॉपुलेशन काउंट हुआ था, तो 43% आर हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो अब चाहते तो इसको इंडिया को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दो, आज भी घोषित नहीं हो पाई है, देखो। ठीक है, तो हमने किसी एक लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज को नहीं बोला कि हमारी गवर्नमेंट नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, हमने क्या किया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया,
और इसके अलावा कई सारी भाषाएं, लगभग 25 रिकॉग्नाइज भाषाएं हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कल्चर में। तो हमने उन सबको रिकॉग्निशन दिया ताकि हर व्यक्ति को क्या लगे, हमने कोशिश किया कि हर एक को अकोमोडेट करने की कोशिश किया। अकोमोडेट क्या होता है कि अगर हमारे घर में परेशानी है तो अगर हमारे घर में मेहमान आ जाए हम उसको भी सोने का बिस्तर देंगे, खाने को रोटी देंगे, ठीक है। तो हमने हर लैंग्वेज को, हर कल्चर को एडॉप्ट करने का कोशिश किया, ठीक है। एक कैंडिडेट इज एग्जामिन्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में फॉर एग्जाम है, वही सीधे जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा, वो उसकी लोकल लैंग्वेज में भी उसका एग्जाम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ्रीडम दिया था। पर श्रीलंका में क्या हुआ, इन्होंने जो किया, ठीक है, अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर लीडर अडॉप्टेड वेरी कॉशियस एटीट्यूड। श्रीलंका के मुकाबले हमने क्या किया, हमने हिंदी को अडॉप्ट करने में बड़ा कॉशियस रहा, हमने क्या किया इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज से स्टॉप करने का कोशिश किया गया 1965, according to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. इससे क्या हुआ? जो non-Hindi speaking states थे, उन्होंने demand किया कि English continue रहना चाहिए, खासकर South India में इसके खिलाफ काफी protest हुआ कि आप English को कैसे बंद कर सकते हो, आप Hindi को official purpose में कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में काफी सारा, खासकर तमिलनाडु इसका काफी बड़ा वो बना था, है कुछ reason। तमिलनाडु जाके बार पूछना कि हिंदी क्यों नहीं बोलते, तुमको अच्छा रिप्लाई मिलेगा वहां से, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसको भी फिर इंग्लिश को भी हमने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया, ठीक है जी। तो सेम वही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से लैंग्वेज के बारे में कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। अभी देखो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी ऐसी है कि आपको लैंग्वेज, आप लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हो कि जो मदर टंग है, जो ऐसा है, तो उसको भी आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आप हिंदी को भी रिकॉग्नाइज कर, आप हर लैंग्वेज को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो। इससे क्या हुआ, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर ने किया है, इससे श्रीलंकन जैसी सिचुएशन को हमने अवॉइड करने की कोशिश किया, ठीक है। मारेंगे बिल्कुल, पूछ के देखना एक बार दर्शन, बहुत पिटोगे वहां से। थर्ड था सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिया का आगे, इंडिया आगे बढ़ते गए आजादी के बाद, ठीक है, हमने उसको लैंग्वेज के बेस पे कट आउट किया, हमने एक लैंग्वेज पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी नहीं रखी, और सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहे, उसके लिए भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें लिखी। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी लूड बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, शांति रखो अभिषेक, ओम शांति, ओम शांति। देखो हमको जितनी ज्यादा भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा ना, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा स्टिक मत करो कि जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, आप मराठी भी सीखो, आप पंजाबी भी सीखो, आप हर भाषा सीखो, कहीं ना कहीं काम आएगी आपको। हम रिस्क क्यों रहे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। जहां से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, काम आएगा, डोंट वरी। साउथ में कभी जाओगे तो उनकी भाषा बोलोगे तुमको लगे अपना आदमी आया है, नहीं तो तुमको 100 रुपए की चीज 500 रुपए बताएंगे। जैसे बाहर से फॉरनर आते हैं और जिनको हिंदी नहीं आती, वो 50 रुपए की टिकट 500 रुपए भी लेते हैं। नहीं, अभी तक हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे हम थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो, अभी स्टेट और सेंट्रल रिलेशन इंपोर्टेंट क्यों है। जब इंडिया आजाद हुआ तो लगभग एक ही पार्टी रूल करती थी, कांग्रेस, सेंट्रल में वही थी और स्टेट में वही थी, इसलिए स्टार्टिंग के 20-25 साल तक दिक्कत नहीं आता है। सर हमारे देश में इतनी लैंग्वेज होने के बाद भी हम फॉरेनर्स की भाषा क्यों सीख रहे हैं, इसका क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना फिर तुम मेरे से पूछ लेंगे इसका जवाब, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग के 20-25 साल तक तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि सेंट्रल में कौन था, कांग्रेस, स्टेट में कौन था, कांग्रेस। समय आते आते क्या हुआ कि अलग अलग लोकल पार्टीज डेवलप होते चले गए, फिर ऐसा भी समय आया कि स्टेट गवर्नमेंट में अदर पार्टी का था और सेंट्रल पे अदर पार्टी का था। 1970 के आसपास जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कर लगाई थी, तब तक कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी पिक्चर में आ चुकी थी, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या था, ये इफेक्ट था कि पावर किसके पास है, पूरी सेंट्रल के पास है, ठीक है। स्टेट को कैसे दे रहे, मर्जी से दे रहे, ये तुम्हें इतना पावर, ये तुम्हें इतना पावर, कार्टून एकदम मस्त बनाया, बरोबर। ये कब हुआ, जब अब स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है,
सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो अब भाई अब अपनी तो सरकार नहीं है तो हम क्या करेंगे, उनको जितना जिस हर एक स्टेट का एक कोटा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे उनसे टैक्सेशन वगैरह कलेक्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है स्टेट को फंड रिलीज करती है, जैसे कोई विपदा हुआ तो फंड रिलीज करती है। अगर दोनों जगह सेम गवर्नमेंट होता है उसका फायदा क्या होता है, ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर अलग सेंटर में गवर्नमेंट अलग है स्टेट में अलग है, ये ट्रांजिशन कई बार स्मूथ नहीं होता। कई बार हमने पैसा बोला कि हम आपको इस साल इतना पैसा देंगे, कई बार पैसा आने में भी एक एक दो दो साल लग जाता है। तो ये सब क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन खराब होता है। आज की डेट में आप देखो ममता बनर्जी और मोदी का रिलेशन बड़ा खराब है। मोदी कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, ममता बोलती होने नहीं दूंगी, वो तो ऐसे जिद पकड़ के बैठ जाती है ये करना ही नहीं दूंगी कुछ भी तुम कर लो। हाँ हो सकता है, इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने सेवन फंडामेंटल राइट कौन सा उसने रिमूव किया, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा उस बारे में। ठीक है संकेत, हाँ तो हम किस मुद्दे पर थे, सेंट्रल स्टेट के बारे में। अब इसका 20-25 साल तक इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग होती है स्टेट में गवर्नमेंट अलग होती है। अब कई बार ये भी होता है कि सेंट्रल में मिलीजुली सरकार होती है ना, 1990s के बाद आप देखो तो कॉलिजन गवर्नमेंट्स काफी आई, मिलीजुली सरकार बन गई। कई बार स्टेट में मिलीजुली सरकार है, कई बार आपका सेंट्रल में मिलीजुली सरकार होती है, तो आप कोई भी पॉलिसी एकदम फोर्सफुल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए सेंट्रल और स्टेट में एक अच्छा सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो स्टेट्स हैं उनके साथ हमको पावर शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, उनकी ऑटोनोमी को हमको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो समय के साथ में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देने का जरूरत पड़ा। ठीक है, स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स, इसलिए को कार्टून दिया गया। इस कॉलिजन गवर्नमेंट के कार्टून का मतलब क्या कोई बता सकता है? यहाँ पर एक मस्त कार्टून है, कॉलिजन गवर्नमेंट आदमी बैठा है पगड़ी बांधी है राजा की तरह, बट एकदम चेहरे पसीना पसीना है, और एक तरफ कॉलिजन गवर्नमेंट की आग लगी हुई है और अलग अलग पार्टीज एकदम उसका सिंहासन बने हुए हैं। कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है इस डायग्राम को? हाँ बड़ी मुश्किल से सरकार चल रही है। और कोई और किसी का इंटरप्रिटेशन? आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको डायग्राम फोटो मिलेगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और वो भी टॉपिक के रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी छाप दोगे जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। अलग अलग पार्टी के बलबूते पर बना है, हाँ इस मतलब ये यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर चीज बहुत सिग्निफाई है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। एक भी पार्टी निकली तो कब, एकदम सही बात, ये एकदम सही पहचाना। स्ट्रक्चर कैसा है सिंहासन का, पाइप का है ना, लोहे की पाइप से। अगर थोड़ा सा भी एक पाइप हिली तो लगभग सारी चीजें एकदम धराशायी हो जाएंगी। तो ये कॉलिजन गवर्नमेंट में है, तो जब कॉलिजन गवर्नमेंट होती है आप इतना बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हो। इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट संजो वाले कॉलिजन में, अब स्टेट उसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई तो हमारे लिए कुछ करो, लेकिन वो इतनी पावर में नहीं है, फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए समय के साथ साथ क्या हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए काफी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखी गई है। तो फेडरल सिस्टम पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव टुडे, पहले नहीं था इतना, पर अब इसको जरूरी बना दिया गया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए। अब ये देखो लैंग्वेज के बारे में, 2011 में सेंसस हुआ था जब, तो लैंग्वेज का भी एक डाटा लिया गया था, तो 10 साल आगे निकल गए। तो देखो सबसे ज्यादा हिंदी है 43% के आसपास, फिर आपका बंगाली 8% जो बंगाली भाषा बोलते हैं, गुजराती 4% के आसपास, मराठी 6% के आसपास, उड़िया 3%, पंजाबी 2.7, तमिल भाषा 5.7, तेलुगु 6.7, उर्दू 4.49। तो अभी देखो एक भाषा 2 digit में है और हार्डली कोई भाषा 2 digit में नहीं है, सब सिंगल डिजिट भाषा में। ठीक है, तो जस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए ये कुछ पेपर कटिंग्स हैं, रामचंद्र गुहा करके एक हिस्टोरियन बोलते हैं, लेकिन हमेशा उल्टा न्यूज देता है तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं रहा आदमी। ठीक है, तो इसमें कुछ रिपोर्ट्स दी थी, रिपोर्ट्स की कुछ कटिंग्स है। द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर अगो ऑन 1st November 1956। ठीक है, दस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पोलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन।
Gandhi and other leaders promised their follow that when the freedom come, the new nation would be based on a new sets of provinces, and these based on the principle of language. However, when the India was finally freed in 97, it was also divided. What is coalition government? Coalition government, बच्चा बोलते हैं मिलीजुली सरकार. मिलीजुली सरकार मतलब जैसे आपके चुनाव हुए, समझो बिहार में भी चुनाव होंगे, ठीक है, आपका टोटल सीट्स मान लो 200 है, तो आपको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? आपको 101 सीट चाहिए, 50% से एक वोट ज्यादा आपको चाहिए होगा. तो समझो आपकी पार्टी को केवल 80 सीट मिली, ठीक है. आप कोई पार्टी जिसके पास 20-25 सीटें हैं, तो आप क्या करोगे? तुम उसको बोलोगे मेरे पास 80 सीट है, तुम्हारे 25 सीटें, हम चलो दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं. तो टोटल सीट कितनी होगी? 105. 200 में आपको कितना चाहिए? 101 चाहिए. तो इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है. मल्टी पार्टी रूल मतलब आप समझो केवल दो पार्टी से सरकार नहीं बन पाई, ठीक है. उसमें क्या है, हमने इसकी पार्टी को जोड़ लिया, इसके भी दो मेंबर, इसको दो मेंबर, जब कई सारी पार्टी एक साथ मिल जाते हैं उसको मल्टी पार्टी रूल कहते हैं. जैसे इंडिया अभी महाराष्ट्र में देखो ना, आपका है 3 पार्टी एक साथ यूनाइट हुई है, ठीक है. यस, नेक्स्ट आपका है, पार्टीशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीमोडियल अटैचमेंट टू वन फेथ, हाउ मेनी मोर पार्टीशन वुड हैव, ठीक है. अब देखो ये क्या बयान दे रहा है ये मिस्टर रामचंद्र जी, ये कहते हैं कि भैया कि एक पार्टीशन पहले हुआ था 1947 में, एक पार्टीशन हमने कब कर दिया? लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है. जबकि ये अच्छा हुआ, अगर लैंग्वेज को पार्टीशन किया उससे आज हम देश को बहुत बेटर वे में कर पा रहे हैं, ठीक है. फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, लैंग्वेज स्टेट हैज हेल्प स्ट्रेंथन इट, इट हैज प्रूव टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू द कंगीडारा एंड इंडियन, बंगाली एंड इंडियन, तमिल एंड इंडियन, गुजराती इंडियन. जब अंदर स्टेट में जाते हैं हम क्या बोलते हैं? गुजराती. हम क्या बोलते हैं? मराठी. लेकिन जब लोग बाहर जाते हैं इंडिया के बाहर, हम क्या बोलते हैं? इंडियन. वहां पर हमारी पासपोर्ट जो होता है उस पर क्या इंडियन लिखा है? उस पर लिखा तू मराठी हो गुजराती हो, नहीं. ये हमारे इंटरनल सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है. और जब देश के बाहर जाते हैं हमारी आइडेंटिटी एक रहती है, इंडिया, ठीक है. तो इस व्यक्ति के कुछ विचार है, मैं इसके विचार से सहमत हूँ. आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसके विचार पढ़ सकते हो. डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया, ठीक है. चलिए जी, और जैसे फेडरल गवर्नमेंट में दो और मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है. तो अभी हमने दो सिस्टम कर लिए, बट वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन थ्रू दिस टू टायर सिस्टम, ठीक है. हर एक स्टेट काफी बड़े बड़े भी है. आपका जैसे महाराष्ट्र काफी बड़ा स्टेट है, आपका उत्तर प्रदेश काफी बड़ा स्टेट है ना. पॉपुलेशन वाइज भी हम काफी बड़े हैं, ठीक है. तो इससे केवल आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सब छोड़ दोगे तो हो जाएगी. जैसे भी बात चली यूपी को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. मध्य प्रदेश को जब डिवाइड किया तो क्यों कौन सा स्टेट बना था बताइए? जब मध्य प्रदेश को दो पार्ट में बनाया तो कौन सा स्टेट बना? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? मैं मध्य प्रदेश का पूछ रहा हूँ संकेत. मध्य प्रदेश को जब सेपरेट किया गया तो क्या बना? एकदम सही बात, छत्तीसगढ़. जब यूपी को सेपरेट किया बना तो क्या बना? उत्तराखंड. और जब बिहार को सेपरेट किया तो क्या बना? झारखंड. एकदम सही बात. और आंध्रा को अलग किया तो क्या बना? यस, ठीक है. तो समय आने पर क्या हुआ कि महसूस हुई कि भाई बड़े बड़े स्टेट्स को भी करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है. तो बाद में लगा कि एक स्टेट भी सब कुछ नहीं संभाल सकता. तो फिर क्या किया गया? पावर शेयरिंग को थोड़ा और डिसेंट्रलाइज किया गया. डिसेंट्रलाइज मतलब है कि पावर को हम थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक इसको लेके जाए, ठीक है. इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमको एक ऐसी लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए जो डे टू डे इश्यूज को भी हैंडल कर सके, ठीक है. तो व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है. क्या कहा? व्हेन पावर इज गिवन, कहां से लिया पावर? सेंट्रल से लिया, स्टेट से लिया, और किसको दे दिया पावर? लोकल गवर्नमेंट को दे दिया. इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. इसका बेसिक आइडिया क्या था? व्हाट इज द बेसिक आइडिया? कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच कैन बी सॉल्वड एट द लोकल लेवल. आपके घर के सामने की सड़क टूटी है तो स्टेट आके हेल्प नहीं करेगा, वो छोटे मोटे लेवल पे हैंडल होने चाहिए. आपके घर परिवार में मोहल्ले में झगड़ा हो गया तो आपको कहां सीधे कोर्ट जाने की जरूरत है? पहले आपका लोकल डिगी पुलिस चौकी में जाओ, पहले वहां पर मामला शॉर्ट आउट करने की कोशिश करो,
इसलिए इसको एकदम लोकल लेवल पे भी इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, हर व्यक्ति को अपने घर घर पड़ोस के आसपास की प्रॉब्लम्स पता होती है, तो वो उसी आसपास के माहौल से या उसी आसपास के लोगों से या आसपास के सिस्टम से उसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। और इससे आइडिया क्या मिला कि भाई हम जो पैसा आता है ऊपर स्टेट गवर्नमेंट से उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई आपके मोहल्ले में किस चीज का नीड है, पानी का समस्या है, सीवरेज का समस्या है, तो आप क्या है वो लोकल गवर्नमेंट को बता सकते हो, लोकल गवर्नमेंट ऊपर से फंड मंगा के इसको इजिली स्पेंड कर सकता है। अब अगर चीफ मिनिस्टर बैठा है बॉम्बे में मालूम और कहीं आगे जाके एकदम आपके धुलिया में कुछ इश्यू हो रहा है गाँव में, ठीक है गाँव में एक इश्यू है, तो वो सेंट्रल सीएम जाके वहां नहीं करेगा, वो क्या पैसा दे सकता है भाई, वो यहाँ का लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे की डिमांड करेगी भाई हमको उतना पैसा चाहिए, तो वहां से उतना पैसा वहां पर भेज दिया जाएगा और लोकली वहां पर काम करवाया जा सकता है। ठीक है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकल गवर्नमेंट होने से आपका डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हे गोविंद, लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक। द नीड ऑफ द सेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम मजबूती से बनाए गए। सिंस देयर आर सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द सेंट्रल विलेज एंड टाउन्स, टाउन्स और विलेज तक भी पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया। जो पंचायत होती है नॉर्मली कहां पर होती है, गाँव में होती है। ठीक है। और म्यूनिसिपल पार्टीज कहां पर है, अर्बन एरियाज आर सेट अप इन द ऑल द स्टेट्स, दीज आर द अंडर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है पर इंडिपेंडेंटली भी ये काम करती है। इनमें भी इलेक्शंस अभी रेगुलरली पहले नहीं होते थे, पहले ये पहले की बात करें पहले नहीं होते थे, लोकल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर्स नहीं थे, उनके खुद के रिसोर्स नहीं थे, रेवेन्यू नहीं थे। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन 1992 में एक ऐसा स्टेप लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जो सर आपको बताया था, टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। आपने पहले नाम मात्र के लिए बना दिया पंचायती राज और एमएनसी, पर आपने इसको पावर्स नहीं दिया। ऐसा कहां से आएगा, उसका चैनल बहुत छोटे रखे, लिमिटेड रखे, तो पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया और इसको थोड़ा और पावरफुल किया गया। नाउ इट हैज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, जैसे आपके एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपीज के इलेक्शन होते हैं, वैसे आपको देखो आपके यहाँ पर इलाके में पुणे में नगर सेवक के इलेक्शन होते हैं, हर पांच साल में इलेक्शन होता है, आपने लोगों ने देखा होगा। ठीक है। फिर आपके जैसे एमपी के जब इलेक्शन होते हैं, एससी एसटी के रिजर्व सीट होते हैं, तो यहाँ पर भी एससी जब चुनाव होंगे तो एससी एसटी के साथ साथ में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें होंगी। फिर वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, तो ऐसी वन थर्ड सीटों पर आपका वुमेन पार्टिसिपेशन होगा। आप देखो, आप जैसे मैं डिगी में हूँ, तो यहाँ डिगी और गणेश नगर भोपाल मिला के चार नगर सेवक है, इस चार में से तीन जेंट्स और एक लेडीज है, आई थिंक सो, है ना, आई थिंक शायद 50-50 है ना। एक शायद आपके भोपाल में जो लेडी है वो भी भूले भूले करके जो है वो भी आपके नगर सेवक है, और आपके यहाँ पर डिगी में भी जो निर्मला ताई गायकवाड़ है वो भी आपके है, तो एक तरह से 50-50% का रिजल्ट मतलब वो जीत के आए यहाँ पर, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। ठीक है। अब जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है उसको भी थोड़ा इंडिपेंडेंटली सेटअप किया गया, ताकि यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपल के जो इलेक्शन होते हैं वो भी इफेक्टिवली लड़े जा सकते हैं। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ पावर शेयर किया, अपना कुछ रेवेन्यू शेयर किया किसके साथ, लोकल बॉडीज के साथ। हाँ, एक गुजर गया, उंडे जी गुजर गए अभी, तो फिर से चुनाव हुआ उसका। ठीक है। तो रूरल गवर्नमेंट आर प्रॉपरली नोन एज पंचायती राज, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट उसका क्या कहते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज मेनली या तो गाँव में होती है, और अगर गाँव छोटा होता है तो ऐसे चार पांच स्टेट को मिला के एक पंचायत बनाई जाती है। इन सब के चुनाव वहाँ के जो जो गांव के लोग होंगे उनसे उनका चुनाव होता है, उसमें मेन सरपंच होता है, कुछ उसमें पंच भी होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो मतलब इलेक्शंस एकदम गांव लेवल तक इलेक्शन पहुंच गया है। अब गांव में जो भी जिसका काम क्या है, गाँव में जो भी डिसीजन मेकिंग लेना है, इनका इसी कमेटी का काम है, इनको अलग से पुणे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गाँव में समस्या पहले वहां की लोकल जो गवर्नमेंट है उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। ठीक है। इसी तरह थोड़ा और ऊपर गए तो हमने लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा और स्ट्रक्चराइज किया, तो द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने कुछ ग्राम पंचायत को कंबाइन किया, कंबाइन करके फॉर्म किया पंचायत समिति, इसको कई बार ब्लॉक भी कहते हैं, इसको कई बार मंडल भी कहते हैं। आप लोग जो मंडल होते हैं वो मंडल में
प्रॉपर मंडल होते हैं, ब्लॉक्स कई गांव को मिला के बनाए जाते हैं, फिर इनके भी चुनाव होते हैं, वहां पर मेंबर सेलेक्ट होते हैं, वो इन्हीं गांवों में से किसी किसी व्यक्ति को चुन के वहां का मेंबर बनाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज एंड मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। जैसे आपकी तालुका आप जिसको बोलते हो ना, इस काइंड ऑफ तालुका है, ठीक है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर ऑफिशियल्स होते हैं, ये भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिला परिषद में। इसका एक ही जॉब है, कांग्रेस कांग्रेस एंड कांग्रेस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर वो कार्टून क्या आंसर बताओ ना, कौन सा वाले का बच्चा आंसर, कौन सा वाले कार्टून का, विच वन, इंदिरा गांधी वाले का या नीचे वाले का, कोलिजन गवर्नमेंट वाले का। लड़की का, अच्छा ये वाला, प्राइम मिनिस्टर रन द कंट्री, चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट। Why does the DM, District Magistrate, Collector Administration the district? अरे हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है इसका, क्या आंसर होना चाहिए? DM कलेक्ट्रेट इसको एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर, क्यों रन करता है, जिला परिषद इसको क्यों नहीं रन करता? सुदीप्त सर को रिप्लाई है, है सुदीप्त सर? तो सर चले गए अभी, संकेत में सोच के बताते हैं इसका, मोस्टली इसका आपको रिप्लाई में कल परसों देता हूं, मेरे को भी देखना पड़ेगा पॉइंट तो, क्योंकि ये तो क्लियर, प्राइम मिनिस्टर कंट्री को रन करता है, चीफ मिनिस्टर उसका रन करता है, लॉजिकली देन द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद शुड रन द, तो डीएम और कलेक्टर की जरूरत क्या है, ठीक है संकेत, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। Similarly, local bodies exist for the urban areas as well. तो municipal जैसे आपका मनप्पा है, ठीक है, जैसे PCMC है, corruption, corruption, corruption. अब ये इसको आगे पढ़ो, ठीक है अभिषेक, पढ़े में भी ध्यान दूंगा, ठीक है। अब अर्बन एरियाज में मनप्पा सेटअप किए गए, जिसको म्यूनसिपल बोलते हैं, जैसे आपका पुणे को हैंडल करता है पीएमसी, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और आपका पीसीएमसी, ठीक है, तो पुणे पिपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका मेन काम क्या होता है, जो गांव ग्राम गांव में ग्राम पंचायत जो रोल प्ले करता है, उसी तरह अर्बन एरियाज में ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, ये पूरा सेम रोल प्ले करती है, और इनका जो जैसे गांव में जो पंचायत होती है उसका कौन होता है, सरपंच होता है, उसी तरह जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसका ऑफिसर कौन होता है, मेयर होता है। इसमें भी जो काफी इसमें भी एमएलए भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, पर मेन कौन होता है, इसमें मेयर होता है। व्हाट डू दिस पेपर न्यूज़पेपर क्लिक क्लिपिंग हैज टू से अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो कुछ क्लिप्स आपके सामने, जैसे 1 million वुमेन इलेक्टेड टू द पंचायत्स, मतलब जो हमने इंप्लीमेंट किया था कि 25% वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो उसकी पेपर कटिंग है। स्टेट अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ द पंचायत, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट को फंड नहीं कर सकती है, ठीक है, और स्टेट ने भी डायरेक्ट बोला भाई हम इसको डायरेक्ट फंडिंग कैसे करें, इनके खुद के रेवेन्यूज भी होने चाहिए, तो जैसे लोकल टैक्स है वो क्या है, पंचायत के अंडर में किया गया। ₹250 जस्टिस इन ए विलेज बिल, इसका तो कटिंग का मतलब नहीं समझा मैं, कटिंग क्या है। डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाइएस्ट बिडर गेट पंचायत पोस्ट, लो जी मतलब पंचायत के पोस्ट के लिए बिडिंग होता है, तो क्या तो डेमोक्रेसी तमिलनाडु में बिकने के लिए क्या सब पेपर कटिंग्स। चलिए, एक्सपेरिमेंट किया गया ब्राजील में, या पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बिडिंग मींस टेंडर जब निकलता है ना उसको बिडिंग कहते हैं। इस पोस्ट के लिए इतनी बोली लगे, तुमको मेयर बनना है 10 लाख रुपए दो, मैं 12 लाख लगाता हूँ, मैं 14 लाख लगाता हूँ, ऐसे बोली लगती, बोली सिस्टम ऐसा है। द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, the new system of local government is largest experiment in the democracy conducted anywhere in the world. There are about 36 elected represented, 36 lakh, जो पंचायत सरपंच और पंच को मिला के 36 लोग चुने गए, जो किसी एक कंट्री की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, तो ये लोकल लोकल गवर्नमेंट का सेटअप
इतना बड़ा है। इससे क्या हुआ, इट हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इट ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ओके जी, और कुछ? आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है, अभी भी कुछ आपको इस टॉपिक में पूछना है आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? है किसी को डाउट किसी पॉइंट पे? इस पूरे चैप्टर में आप लोग देख सकते हो, बाकी आपको क्वेश्चंस बाकी हैं। हिंदी ऑफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि केवल 43% है, इसलिए हिंदी ऑफिशियल नहीं है। और इंडिया के काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हिंदी स्टार्टिंग से नहीं बोली गई, जैसे आप उड़िया देखो, वहां पर भी हिंदी कभी बचपन से नहीं बोली गई है। ठीक है, बंगाल में बंगाली बहुत प्रोमिनेंट है, साउथ में आप जाओ तो उनकी लोकल लैंग्वेज बहुत प्रोमिनेंट है, उन लोगों ने भाषा कभी सीखी नहीं, तो हम कोई भी चीज फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा इंडिया ने कैसा पॉइंट रखा कि भाई हम जब आजाद हुए तो क्या है, हम ग्रो करेंगे, ग्रो कब करेंगे, जब हम बाहर की भाषा भी सीखेंगे, इसलिए हमने इंग्लिश को भी अपने साथ में रखा, ताकि अगर हमको आज देखो मैक्सिमम इंडियंस बाहर जाके जॉब क्यों कर पाते, क्यों, हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं इंग्लिश में हुई है, यह इसने हमको बाहर सेट होने में बहुत हेल्प किया है। ठीक है, इसलिए तो इंग्लिश ने हमको सेंचुरी से नहीं सीखी, तो इंग्लिश तो हमने सेंचुरी से नहीं सीखी, सीखे ना सेंचुरी से, सीख तो जा रहे अंग्रेजों से, तब से तो इंग्लिश सीखते आ रहे हैं।